Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to English literature class. Today we will start our revision. Today we will do our chapter number 8, The Fun They Had. Maki even wrote about it that night in her diary on the page headed May 17, 2157. She wrote, today Tommy found a real book. तो मैगी ने क्या किया, एक नाइट को डायरी में लिखा जिस डेट थी उसकी May 17, 2157. She wrote, उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी ने क्या फाउंड किया, अ रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी. मागीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो मागी के ग्रैंड फादर क्या रहे हैं, उसको उस बुक में बारे में बता रखा था जब वो छोटे थे, तो उसके फादर ने बताया था कि उस टाइम ऑल स्टोरीज पेपर प्रिंटेड थी, जैसे कि हमारी आजकल की बुक्स हैं वैसी थी वो. दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स हैव अ लॉट ऑफ होल्स एंड रिंकल्स. तो उसमें क्या था, रिंकल्स थे और बहुत ज़्यादा जगह पे वो फोल्ड हो चुका था. एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो क्या हो रहा था, जब वो उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो रहा था, वेरी फनी बोल सकते हैं, कि जब वो वर्ड्स को पढ़ना चाहते थे मूविंग दूसरी तरफ भी सेम स्क्रीन ही प्रिंट हो रही थी. तो उन्होंने पेज बिफोर किए, वर्ड ज़्यादा सेम जबकि वो फर्स्ट पेज पे थे. ये सेट टॉमी व्हाट अ वेस्ट. तो उसने क्या बोला, क्या वेस्ट है ये, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. तो उसने कहा कि ये बुक तुम बाहर फेंक दो. आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो उसने कहा कि मेरा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो भी है, उस पर मिलियंस बुक्स हैं जिसे हम कभी भी किसी टाइम भी रीड कर सकते हैं, बट मैं इस बुक को थ्रो करना नहीं चाहता. सेम विद माइंड. तो उसने कहा सेम मेरे साथ हो रहा है. सेड मागी. मागी ने बोला, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन As many टैली बुक्स एज टॉमी है. तो उसने क्या, उसने कभी भी टैली बुक सीन नहीं की थी. तो कितने ईयर्स की थी वो, 11th की. टॉमी हैड, तो जो टॉमी के पास थी, ही वॉज थर्टीन. तो कितने ईयर का था वो, 13. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. तो उसने कहा, मागी ने उससे पूछा कि तुमने ये बुक कहाँ से फाइंड किया. इन माई हाउस. उसने कहा ये मेरे घर से मिला. ही पॉइंटेड Without looking, because he was busy reading in the attic. Attic means a storeroom just below the roof of a house. जो कि एक छोटा सा storeroom होता है below roof of a house. House की roof के नीचे. तो क्या था, वो वहाँ पर वो book read करने में busy था. बस it about. तो उसने कहा ये किस चीज़ के बारे में है, school. तो उसने बोला school के बारे में. मागी was confused. Confused, lacking respect. School. What a dear right to write about school. I hate school. तो उसने कहा इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे स्कूल से नफरत है. मागी always hated school, but now she hated it more than ever. But मागी को स्कूल नहीं पसंद था, but वो उससे ज़्यादा हेट कर रही थी. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she said had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो मागी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था, जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो उसको जियोग्राफी के टेस्ट के बाद टेस्ट देती थी और उसी टाइम उसके मार्क्स भी करती थी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्स था, और उसकी मदर उसने
उसके हेड को शेकन किया, जो उसे उसको कहाँ पे भेज दिया, कंट्री इंस्पेक्टर के पास, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ही वॉज अराउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। तो क्या था वो, एक लिटिल राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस था, और उसके पास टूल्स थे, डायल्स थे एंड वायर्स थे उसकी टूल्स में। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गिव हर एन एप्पल। तो उसने मागी को देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। तो उसने टीचर का अपार्ट, जो भी उसके मागी का टीचर था उसका जो पार्ट था वो खराब हुआ हुआ था, उसे चेंज करना है। मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मागी सोच रही थी कि काश ऐसा हो कि वो इसको दोबारा इकट्ठा ना कर पाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। तो उसे पता था कि कैसे उसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक बिग द बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो कितने टाइम बाद, आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्क्रीन ऑन हुई, उस पर क्या हुआ, लेसन शो होने लगा और जो क्वेश्चन थे वो पूछने लगा। दैट वाजंट सो बैड। तो ये ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वॉज स्लॉट। स्लॉट मीन्स अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग वर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसे क्या पसंद नहीं था, होमवर्क करना पसंद नहीं था, टेस्ट पसंद नहीं थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज सिक्स ईयर ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन ऑन नो टाइम। तो क्या करते थे, वो पंच ऑफ कोर्स दे देते थे उसको लर्न करने के लिए जब वो सिक्स ईयर ओल्ड थी। तो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो क्या करते थे, उसी टाइम उसके मार्क्स को कैलकुलेटर करते थे। Rest of the chapter we will do in the next assignment. We will do back exercise, true false and question answer in the written assignment we already done, and we will do again in revision assignment. Hope you guys understand about the chapter. Thank you. Have a good day.